हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप घर बैठे बैठे इंग्लिश को सीख भी रहे हैं और इसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट की। अब हमने बात करना सीख लिया, पहले से लाइफ के बारे में भी बात करना सीख लिया, थोड़ी देर पहले के बारे में बात करना भी सीख लिया, और हमने अभी के बारे में भी बात करना सीख लिया। यदि आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और लेसन वन से एक एक वीडियो को देखिए और घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो पास्ट की बात करने वाले हैं, यानी घंटे दो घंटे से पहले की बात। यदि भाई आप पहले ही जानते हैं कि यदि हमें थोड़ी बहुत देर की बात करनी हो तो हम हैज हैव से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पुरानी बात करनी पड़ती है, थोड़ी देर पहले की बात करनी पड़ती है। भाई बिल्कुल एकदम ताजी ताजी बात हुई है, कोई काम आपने खत्म किया अभी अभी, तो हैज हैव से बात करना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। लेकिन यदि बात थोड़ी ज्यादा पुरानी हो जाए, जैसे आप शाम को बात कर रहे हैं और आप दोपहर की बात कर रहे हैं, या आप दोपहर को बात कर रहे हैं सुबह की बात कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो फिर आपको इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस कहना है तो आपको एक्शन का सेकेंड फॉर्म यूज करना चाहिए। चलिए समझते हैं कैसे। बेसिकली यदि आप अभी अभी बाथरूम से बाहर आए हैं तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ। लेकिन यदि आपको नहाए हुए देर हो गई तो आप ये नहीं कह सकते आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ, आप कहेंगे आई took a bath। अब बात समझ में आई, एक्शन सेकेंड फॉर्म, कुछ नहीं करना, कुछ भी कोई खास चेंज नहीं है। वेल, आप सुबह को टहलने गए तो आई वेंट फॉर ए वॉक। आप अपने दोस्तों से मिले, आई मेट माई फ्रेंड। आपने ड्रेस चेंज किया, आई चेंज माई ड्रेस। आपने कोई क्लास अटेंड किया, आई अटेंडेड माई क्लास। आपने अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। आपने स्कूटर चलाया, आई ड्रोव स्कूटर। बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, राइट? यदि मैं आपको फिर से बार बार ये समझाना चाहता हूं कि हैज हैव में और एक्शन के सेकेंड फॉर्म में क्या अंतर है। एक्शन का सेकेंड फॉर्म हम तब यूज करेंगे जब बात थोड़ी सी ज्यादा पुरानी हो। बिल्कुल अभी अभी किया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि थोड़ी पुरानी हो जाए, जैसे शाम को आप बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने दोपहर में लंच किया था, तो आप कहेंगे आई एट लंच इन द नून। आप कॉलेज गए, आई वेंट टू कॉलेज, राइट? आपने कुछ बाजार में गए और आपने मैंगो शेक पिया, आई ड्रैंक मैंगो शेक। आपने अपने दोस्त से हाथ मिलाया, आई शूक हैंड विद माई फ्रेंड। आपने सुबह की बात की, भाई रात को बात कर रहे हैं या दोपहर में बात कर रहे हैं लेकिन बात सुबह की कर रहे हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आई रेड न्यूज़पेपर। आपने कोई मूवी देखी सुबह ही सुबह, आई सॉ अ मूवी। आई वॉच्ड अ मूवी भी कह सकते हैं, राइट? हो सकता है आपने कपड़े धोए, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, राइट? अब ये तो बात हो गई आज काफी देर पहले की, लेकिन यदि आपको कल की बात करनी हो तो आप जो भी एक्शन बोलेंगे उसमें आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, राइट? कल आपने कोई शर्ट खरीदी, कोई ड्रेस खरीदी, आई बॉट अ ड्रेस। लेकिन कल लगाने के लिए आपको यस्टरडे कहना पड़ेगा, आई बॉट अ ड्रेस यस्टरडे। आपने अपनी क्लास मिस कर दी कल, आई मिस्ड माई क्लास यस्टरडे। ये तो कल दिन भर की बात हो गई, लेकिन कल रात की बात करें तो आप कहेंगे लास्ट नाइट, आई अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट, आई एट डोसा लास्ट नाइट, आई वॉच्ड अ वेब सीरीज लास्ट नाइट। ये तो बात हो गई कल की। दिन भर की बात करेंगे तो यस्टरडे, और रात की बात करेंगे तो लास्ट नाइट। अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं आई अटेंडेड अ पार्टी यस्टरडे, ये गलत इंग्लिश है। यदि आपने दिन में अटेंड की पार्टी तो आप कहेंगे आई अटेंडेड अ पार्टी यस्टरडे, लेकिन ज्यादातर पार्टीज रात में ही होती हैं, तो आई अटेंडेड अ पार्टी लास्ट नाइट, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, आई एट डिनर लास्ट नाइट। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आता होगा। तो अभी आपने क्या सीखा
यदि आपको 2 घंटे से पहले की या उससे पहले की, कल की बात करना चाहते हैं, यस्टरडे की बात करना चाहते हैं, तो भी सेकेंड फॉर्म। और यदि आप परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे की बात करना चाहते हैं तो भी एक्शन का सेकेंड फॉर्म। यदि आप संडे की बात करना चाहते हैं तो संडे बीत गया, लास्ट संडे, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, आई एट आइसक्रीम डे बिफोर यस्टरडे। हो सकता है कि आपने पकौड़े बनाए हों संडे को, आई प्रिपेयर्ड पकौड़ास लास्ट संडे। अब यदि आप पिछले महीने की बात करना चाहते हो, आई मेट अभिषेक सर लास्ट मंथ, आई मेड ए न्यू फ्रेंड लास्ट मंथ। हाँ, यदि आप जनवरी की बात करना चाहते हो जो बीत गई, आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे इन जनवरी, आई विजिटेड नैनीताल लास्ट ईयर। आप और भी बात कर सकते हो, भाई आपने कार चलाई, आई ड्रोव अ कार। अब आप कहना चाहते हैं 2 महीने पहले, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई ड्रोव अ कार बिफोर 2 months, बिफोर 2 months, आई ड्रोव अ कार बिफोर 2 months। लेकिन यदि आप अगो लगाना चाहते हैं तो अगो को हम एंड में लगाते हैं, कैसे कहेंगे? आई ड्रोव अ कार 2 months अगो। समझ में आ रहा है? राइट, आई ड्रोव अ कार बिफोर 2 months, आई ड्रोव अ कार 2 months अगो। राइट, हो सकता है कि आपने कोई मूवी देखी हो सिनेमा में, आई वॉच द मूवी इन सिनेमा इन 2015। आप कितनी भी पुरानी बात कर सकते हैं, तो पुरानी बात यदि आपको करनी है तो आपको यूज करना है एक्शन का सेकेंड फॉर्म। भाई हैज हैव से तो हम ताजी ताजी बात करते हैं, लेकिन यदि आपको पुरानी बात करनी है, घंटे 2 घंटे से पहले की या फिर कल की जो बीत गया, परसों की या फिर लास्ट वीक की, लास्ट संडे की, लास्ट मंथ की, लास्ट ईयर की, या फिर 10 साल पहले की, 50 साल पहले की, 500 साल पहले की, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। आप यू के बारे में बात करना चाहते हैं तो यू एक्शन सेकेंड फॉर्म, और ही एक्शन सेकेंड फॉर्म। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कमेंट्स में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं एक सिस्टम। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, यू सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, ही सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, आई डिड माई होमवर्क, यू डिड योर होमवर्क, ही डिड हिज होमवर्क, आई शुक हैंड विद अमिताभ बच्चन, यू शुक हैंड विद अमिताभ बच्चन, ही शुक हैंड विद अमिताभ बच्चन। ऐसे ही करीब 10-20 लाइनें कर लीजिए, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉयड दिस क्लास। यदि आपने इसको एंजॉय किया, आपको क्लास अच्छी लगी, तो इसे अभी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।